हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीरज नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टोरेज को पार्शियन कैसे किया जाता है। देखिए, जिस पीसी को हम क्या किए, ओपन किए, आपको दिख रहा होगा ओपन हो गया। यहाँ पे क्या है कि इसमें 512 जीबी का एसएसडी जीबी मिला होगा, ठीक है, 512 जीबी का मिला होगा। तो ये पहले बात समझ लीजिए कि सबको 512 जीबी ही नहीं मिलता है। अगर 512 जीबी से दिया हुआ है स्टोरेज तो 512 जीबी नहीं मिलेगा, चाहे वो एसएसडी रहे चाहे एचडीडी रहे, ठीक है। तो देखिए, उसमें से 512 जीबी में से मुझे 469 जीबी ही मिला है, ठीक है। और अभी इसमें स्पेस बचा हुआ है 409 जीबी का स्पेस इसमें बचा हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि पार्टीशन कैसे करें स्टोरेज का। इसको जानने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखिए, पहले एक बात हम आपको समझा देते हैं। अगर इसमें से आप चाहिएगा कि 100 जीबी निकालना तो 100 जीबी निकाल सकते हैं, चाहिएगा 200 जीबी निकालना तो 200 जीबी निकाल सकते हैं। हाँ, उससे पहले एक बात और हम बता देते हैं आपको कि विंडो सी में ना कम से कम आप 80 जीबी या 100 जीबी के बीच में विंडो सी में रहने दीजिएगा। अब विंडो सी में क्यों रहने दीजिएगा वह समझिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसका जैसे कि यह है ना, इसका अति इंस्टॉल रहता है, इसमें जो होता है ना एंटीवायरस वगैरह सब इंस्टॉल रहता है, इसमें विंडो सी में रहता है, इस वाला में रहता है। तो उसको इतना ही पार्टीशन करिए कि इसमें कम से कम 100 जीबी 80 जीबी के बीच में इसमें रहना चाहिए, ठीक। तभी इसमें हम क्या करेंगे कि 80 जीबी छोड़ देंगे, अब बाकी सबको बाहर निकाल लेंगे। इसमें से हम विंडो सी से विंडो डी में हम रख लेंगे या ई में रख लेंगे, ठीक। उसको कैसे करें, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं दिस पीसी में, या ना तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, विंडो सी में जाके हम सर्च कर सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ना तो आप अगर आपको दिक्कत हो रही है इसमें, तब क्या करिए कि दिस पीसी वाला जो है ना, अगर विंडो 11 होगा ना, तो आपको क्या करना है कि दिस पीसी में जाना है। तो दिस पीसी पर जाने के बाद इस माउस से ये वाला क्लिक करना है, राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। जब राइट क्लिक करिएगा ना, देखिए विंडो सी में गया, सॉरी दिस पीसी पर गए, उसके बाद हम राइट क्लिक कर दिए। जब राइट क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा आपके बीच में, तो किन ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना है आपको, यहाँ पर जाना है, शो मोर ऑप्शंस में जाना है। तो शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए, ठीक है। जब क्लिक करेगा फिर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, तब वो सबसे ऊपर में चले जाना है मैनेज में। तो मैनेज पे क्लिक करिएगा तो थोड़ा देर के बाद इस तरह का खुल जाएगा आपके सामने। इसको हम पूरा मैक्सिमाइज कर लेते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आप लोगों के सामने में। तो आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है, इसमें जाना है, ठीक है। सॉरी, इसमें नहीं जाना, उसके ऊपर वाला में जाना है। तो उसके बाद आपको थोड़ा देर के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख लीजिए इसी तरह का आएगा। तो आप न इसमें छेड़छाड़ करिएगा, न इसमें छेड़छाड़ करिएगा, न इसमें छेड़छाड़ करिएगा। छेड़छाड़ करना है मुझे इसमें करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसे हम इसमें 80 जीबी छोड़ देंगे, बाकी सबको निकाल लेंगे। तो इस पर हम विंडोज पर क्लिक करके उसके बाद राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक करिएगा ना, तब यहाँ पर दिखेगा श्रिंक वैल्यूम, यहाँ पे तो श्रिंक वैल्यूम पर क्लिक करना है। तो कुछ सेकेंड बाद आ जाएगा, श्रिंक करने का एक ऑप्शन आएगा आप लोगों के पास, मतलब कि एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। तो ये पॉपअप खुल के आ गया, तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको एमबी में देना है ना। तो पहले यहाँ से करते हैं बैक, और उससे पहले कैलकुलेटर खुल के हम आपको समझा देते हैं उसमें कितना जीबी बचा हुआ था। इसमें कितना जीबी बचा हुआ है, तो बचा हुआ है 409 जीबी, ठीक है। और टोटल कितना, 459 जीबी। 459 जीबी हम यहाँ पे लिखे, हम छोड़ना कितना चाहते हैं इसमें, वही लपसन 80 जीबी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 80 जीबी इसमें से छोड़ देते हैं, नहीं तो क्या करते हैं 100 जीबी छोड़ देते हैं इसमें। तो 100 जीबी नहीं, 80 जीबी रहने देते हैं। तो 80 जीबी इसमें छोड़ के माइनस कर देते हैं, ठीक है। 459 में से इतना हम माइनस कर दिए, तो कितना बचा, 379, ठीक है, इतना बचा। तो इसको देखिए गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 जीबी में कितना एमबी होता है, 1 जीबी में 1024 एमबी होता है। तो क्या करेंगे, 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1024 से हम गुना करेंगे
उसके बाद इक्वल करेंगे, जब इक्वल करेंगे तो इतना आ रहा है 38,08,096 आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, या आप डायरेक्ट वहाँ पे भी लिख सकते हैं, कॉपी बिना किए हुए भी लिख सकते हैं। हम कॉपी कर लिए, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ में जाना है फिर से आपको, फिर से हम वहीं पे आ गए, फिर से आपको राइट क्लिक करके श्रिंक वैल्यूम कर लेना है। श्रिंक वैल्यूम करिएगा ना यहाँ पे, तो कुछ सेकेंड बाद पॉपअप खुलेगा आपके सामने एक नया पॉपअप। इसको इसको क्या करना होगा आपको, इसको काट लीजिए पूरा, जितना हम अब बताए थे जितना आया था उतना लिख लेना है यहाँ पे, आपका जितना आएगा उतना ही लिखना है, जो हम बता रहे वो नहीं लिखना है, ठीक है। मेरा आया था 38 लाख ना, 38 लाख आया था, 8,096 था ना, तो क्या कि हम इतना यहाँ पे नोट कर लिए, 38,08,096। उसके बाद श्रिंक कर देना, श्रिंक करने के बाद थोड़ा ही देर के बाद आपको देख, अभी हुआ नहीं है ना, यहाँ पर देख सकते 379 GB ऑन लोकेटेड फाइल है अभी, ठीक है। अभी अगर आप जिस पीसी में जाइएगा, यहाँ से आपको दिखाते हैं एक मिनट, जिस पीसी में गए तभी यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसमें गए तो उसके बाद ये जो अनलोकेटेड फाइल है उस पर राइट क्लिक करके उसके बाद न्यू सिंपल वैल्यूम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ना इस पर क्लिक करना ना इस पर क्लिक करना, सिर्फ आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं न्यू वॉल्यूम डी बन के आ गया हमारे, इसको कहते हैं कट, और यहाँ से इसे पूरा कट कर देते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इसमें आ चुका है 378 GB का फ्री स्पेस, मान लो 379 था तो 1 GB इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके देखते हो रहा है कि नहीं, ये उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।